नमस्कार फ्रेंड्स, पीसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबकी स्वागत है और मैं मिसेस थारा। फ्रेंड्स, झाड़ू हम सभी लोगों के घर में रहती है और झाड़ू इस्तेमाल के बाद जब खराब हो जाता है तो उसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं, लेकिन वेस्ट झाड़ू को हम लोग बाहर ना फेंक कर अगर गार्डनिंग के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं तो वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ हम लोग अपना पैसा भी बचा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं वेस्ट झाड़ू की 3 इस्तेमाल दिखाऊंगी। ये 3 इस्तेमाल अगर आप वेस्ट झाड़ू की कर सकते हैं तो एनवायरनमेंट को साफ तो रख सकते हैं, उसके साथ साथ अपना पैसा बचा सकते हैं। तो चलिए हम लोग कैसे वेस्ट झाड़ू को अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं ये देख लेंगे, लेकिन उसके पहले बोलेंगे अगर आप चैनल में नए फ्रेंड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अनुरोध है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वेस्ट झाड़ू को कैसे यूज़ करेंगे गार्डन में वो देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हैंडल से झाड़ू को ऐसे निकाल लेंगे और ये जो हैंडल है इसको भी हम लोग गार्डन को सजाने के लिए DIY के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसकी वीडियो मैं बाद में दूंगी। अभी चलिए झाड़ू की ये जो पोर्शन है जिस पोर्शन से हम लोग घर साफ करते हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे देख लेते हैं। तो उसके लिए झाड़ू की जो जिस पोर्शन से हम लोग साफ करते घर को झाड़ू लगाते हैं उसको छांट के निकाल लेंगे। 3 प्रयोग में से पहला प्रयोग में हम लोग इस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। पहला प्रयोग में हम लोगों को चाहिए इसके अंदर रहने वाले स्टिक्स। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कितने सारे स्टिक्स हमें मिल गया है। हमारे गार्डन में ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिन प्लांट्स को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फूलों के पौधे, सब्जियों के पौधे कई सारे होते हैं जिसको स्टिकिंग करने की ज़रूरत होती है। और हम लोग बाजार जब जाते हैं स्टिक खरीदने के लिए तो एक एक स्टिक के लिए 10-10 रुपया खर्चा करना पड़ता है, लेकिन पुराना झाड़ू या वेस्ट झाड़ू को हम लोग अगर यूज़ कर सकते हैं गार्डनिंग में तो देख रहे हैं कि झाड़ू के अंदर से कितने सारे स्टिक्स मुझे फ्री में मिल गई है। ये मेरी एक गोमफ्रेना का पौधा है, आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से गिर रहे हैं नीचे की तरफ। गोमफ्रेना के हर पौधे को स्टिकिंग करने की ज़रूरत होती है। मेरे पास 15-16 गोमफ्रेना का पौधा है। हम अगर बाजार से स्टिक खरीदने जाएंगे तो आप समझ रहे हैं मुझे कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन वेस्ट झाड़ू के इस्तेमाल से मैं अपना ये पैसा बचा सकती हूँ। वेस्ट झाड़ू के अंदर से जो स्टिक हमें मिलेगी वो हम अपने गार्डन में इस तरह से पौधे को सपोर्ट देने के लिए अगर यूज़ करेंगे तो पौधा बहुत अच्छी तरह से पौधे को सपोर्ट भी मिल जाएगी और पौधा इधर उधर नहीं गिरेंगे। तो यह है वेस्ट झाड़ू की पहला प्रयोग। अभी दूसरी प्रयोग क्या है चलिए देख लेते हैं। दूसरी प्रयोग में हम लोग झाड़ू की इस पोर्शन को यूज़ करेंगे। झाड़ू की जिस पोर्शन से हम लोग साफ करते हैं घर को इस पोर्शन को हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसको हम लोग कंपोस्ट बिन में ड्राई मटेरियल के हिसाब से यूज़। कंपोस्ट बिन में हम लोग वेट मटेरियल के साथ साथ ड्राई मटेरियल भी यूज़ करते हैं। उसके लिए सूखे पत्ते या लकड़ी का बुरादा ये सब हम लोग इधर उधर से मैनेज करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में वेस्ट झाड़ू है, अगर झाड़ू खराब हो गया है तो उसको बाहर ना फेंक कर ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर आप कंपोस्ट बिन में एज अ ड्राई मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। ड्राई मटेरियल के हिसाब से यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, आप 5-6 इंच के टुकड़ा अगर काटेंगे तो सही रहेगा। और ये जब कंपोस्ट बन जाएगा तो बहुत ही भुरभुरी सुंदर खाद में रूपांतरित हो सकती है। तो ये हुई दूसरा प्रयोग वेस्ट झाड़ू की। अभी वेस्ट झाड़ू की तीसरा प्रयोग कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स हम लोग तीसरा प्रयोग पॉटिंग मिक्स में कर सकते हैं। पॉटिंग मिक्स को हल्का बनाने के लिए या हैंगिंग बास्केट की जो मिट्टी है उसको हल्का बनाने के लिए हम लोग कोकोपीट यूज़ करते हैं, और कोकोपीट काफ़ी हेवी प्राइस में
नर्सरी में मिलते हैं, तो उसके जगह पर वेस्ट झाड़ू को हम लोग अगर ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे तो भी हमारा यहाँ पर कोकोपीट का सब्स्टिट्यूट के हिसाब से काम हो सकती है। तो वेस्ट झाड़ू को अगर हम लोग पॉटिंग मिक्स में यूज़ कर रहे हैं तब हम लोग क्या करेंगे, जितना बारीक साइज में काट सकते हैं, जितना छोटा छोटा काट सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा। तो हम लोग स्टिकिंग कर सकते हैं, ड्राई मटेरियल के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और कोकोपीट के सब्स्टिट्यूट के हिसाब से भी वेस्ट झाड़ू को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसे लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज इतना ही, नमस्कार।